अब फ्रेंड्स हम देखते हैं सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन। सब मैट्रिक्स क्या होता है? आ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रो और एनी नंबर ऑफ कॉलम। यानी कोई भी हम एक रो या एक कॉलम को, या दो रो या दो कॉलम को, तीन रो या तीन कॉलम को, किसी को भी हम डिलीट कर दें, या चार रो पांच कॉलम को डिलीट कर दें, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मैट्रिक्स जो बचता है, जो शेष मैट्रिक्स जो बचता है, वो मैट्रिक्स होता है हमारे पास सब मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास इस एग्जांपल में समझते हैं, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमारे पास ये पूरा मैट्रिक्स है। अगर अब इस मैट्रिक्स में से हम इस रो को, यानी कि थर्ड रो को डिलीट कर दिया हमने, इस रो को डिलीट करने के बाद जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचता है, वो मैट्रिक्स बचेगा ये, तो ये जो मैट्रिक्स बचा है ये इसका सब मैट्रिक्स है। अब फ्रेंड्स इसमें हम किसी और कॉलम को या किसी और रो को, सपोज कि हम इस रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते, तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचता वो ये मैट्रिक्स बचता हमारे पास ये वाला, तो ये भी हमारे पास एक सब मैट्रिक्स होता। और सपोज हम दो रो यानी कि हम इनको डिलीट कर देते, इन दो रो को डिलीट कर देते, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मैट्रिक्स बचता 1 2 3, एक हमारे पास रो मैट्रिक्स बच जाता। तो इस तरह से भी हमारे पास मैट्रिक्स बच जाता। तो इस तरह से जो जो मैट्रिक्स बचता है, जो किसी रो और कॉलम्स को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचता है, वो हमारे पास सब मैट्रिक्स होता है।